जय माता की। पंडित जी, हम जहां पर भी जाते हैं इसी भावना से ग्रसित रहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं मानता। हम कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं या किसी से अगर हमें अपना कोई काम निकलवाना है, कोई काम करवाना है, अगर हम उससे कोई बात बोलेंगे तो वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। साथियों, हर इंसान चाहता है कि दुनिया में नाम हो, लोग पहचाने। अगर हम लोग हमें पहचानेंगे, लोग हमें जानेंगे, तभी तो हम अपना कोई भी काम किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई जानेगा ही नहीं, कोई पहचानेगा ही नहीं, तो हम किसी से क्या काम करवाएंगे। आज के टाइम में हर इंसान को अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है जिसको करवाने के लिए कई बार ऊपर की अप्रोच की जरूरत होती है। मान लीजिए आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपका कोई हाई लेवल का काम है, उसे आप तभी तो करवा पाएंगे जब लोगों में आपकी जानकारी होगी, आपका कुछ रुतबा होगा। अगर आपको कोई जानेगा ही नहीं तो कोई भी आपका काम नहीं बनेगा। कि ये कहेंगे कि चलो इसे यहां से जाने दो, अभी समय नहीं है, या कोई भी बहाना लगा देंगे। लेकिन अगर आपके नाम का डंका होगा तो कहीं भी आप किसी से भी अपना बड़े से बड़ा काम भी निकलवा सकते हैं। अगर लोग आपकी बात मानना शुरू कर दें तो आप देखिए आपका इस दुनिया में क्या नाम होगा। कमाल का नाम होगा, आपकी दूर दूर तक प्रसिद्धि होगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसको करने के बाद केवल आपके गांव नहीं, शहर नहीं, दूर दूर तक लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे और आपके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। प्यारे बंधुजनों, हर कोई आपकी बात मानेगा, आपका कहना मानेगा और आपका कोई भी काम कभी अधूरा नहीं रहेगा। जिस काम के लिए आपने सोच लिया वो काम आपका बनके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, बहुत दिनों से हमारे पास हमारे बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि पंडित जी कोई ऐसा कार्य बताएं जिसको करने से इस संसार में हमारा भी नाम हो, हमें भी लोग जाने पहचाने और हमारा कहना कोई आसानी से ना मोड़े। तो आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस उपाय को वंस इन अ लाइफ अगर आपने जीवन में एक बार भी कर लिया तो आपके नाम का डंका सदा दुनिया में बजेगा। तो एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि किसी तरह की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय माम्रियता। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। नमस्कार
सुस्वागतम आभा। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर कोई मानेगा आपकी बात, जेब में रखें यह। प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन आपको करना है, अर्थात गुरुवार का जो दिन होता है उस दिन आपने इस प्रयोग को करना है। एक पीले रंग के कपड़े में केले के पेड़ की जड़ और साबुत हल्दी, ये दो सामान पीले कपड़े में अच्छी तरह से बांध कर उस कपड़े की सिलाई भी कर सकते हैं, जिससे जो अंदर का सामान है वो कपड़े से बाहर ना गिरे। एक बात का ख्याल रखना है, केले की जो जड़ है वो गुरुवार के दिन आपने नहीं लेकर आनी है। गुरुवार को छोड़कर सोमवार, मंगलवार, बुधवार किसी भी दिन आप लेकर आ सकते हैं। रखनी आपने गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन एक पीले रंग के कपड़े में केले के पेड़ की जड़ और साबुत हल्दी, दो ये सामान कपड़े में अच्छी तरह से पैक करके आपने भगवान जी के मंदिर में जाना है और भगवान जी के चरणों में उस कपड़े को रखकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपने जाप करना है। उसके बाद उस पीले कपड़े को हमेशा के लिए अपनी ऊपर वाली जो पॉकेट होती है इसमें आपने रखना है। रात को सोने से पहले निकाल करके उसे अब मंदिर में रख दें। अगले दिन सुबह नहा धोकर के फ्रेश होने के बाद फिर से उसे ऊपर की पॉकेट में रख लें। जो माताएं बहनें इस उपाय को करना चाहती हैं वो अपने पर्स में इसे रख सकती है। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा किस तरह से आपके नाम का डंका इस दुनिया में बजना स्टार्ट हो जाता है और आपकी जय जयकार इस दुनिया में बल्ले बल्ले आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता की।